मैं भी देखता हूँ। मेरे पास एक ही जवाब है, अपना और अपने दोनों बेटों का रिश्ता भेजा है। मेरी कुलसुम की शादी पे कौन रोकता है मुझे? कोई जवाब है हमारे पास या नहीं? यही कि इस घर में किसी मर्द का होना ही तमाम मसलों का। और वो क्या है? अब बारात भी एक ही घर में जाएगी। बताओ तुझे किया क्या उस घटिया इंसान ने जो हमें अम्मी ने बताया? बशीर अपने हरकतों से बाज नहीं आया था और वो इज्जत पकड़ के बैठ गया है कि मेरी कुलसुम से शादी होगी तभी ये मामलात सेट होंगे, वरना वो इसी तरह इनको तंग करता रहेगा। मलिया फाजिल से कहती है इस घर में मर्द का होना लाजमी है तभी बशीर और उसके बेटों से हमारी जान छूट सकती है। फहद मलिया से पूछता है कि तुम कुछ परेशान दिख रही हो। मलिया बताती है कि बशीर और उसके बेटों ने रिश्ता भेजा है मेरे लिए और मेरी बहन के लिए। वो घटिया इंसान इस हद तक जा सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। कुलसुम और उसकी बेटी बशीर और उसके नालायक बेटों से कैसे जान छुड़ाएंगे? क्या फहद बशीर का सामना करेगा या नुमान इनकी हेल्प करेगा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।